कि इस बार ये जो मूर्ति है लोग अपने कंधा पे लेकर जाएंगे, जिस तरीके से विसर्जन में लेकर जाते हैं उस तरीके से यहाँ से स्थापित करने के लिए भी लेकर जाएंगे। भी कंधा पे होगा, विसर्जन भी कंधा पे होगा। लेकिन ये पेपर का मूर्ति बना नहीं रहा हूँ, पेपर का भी लुक दिया हूँ ताकि ये मटेरियल हल्का हो। आप कहीं से भी इनको देख लीजिए, ये पूरा ही हल्का है। ना ही इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं, ना ही इसमें मिट्टी का यूज है, ना ही इसमें रंग का यूज होगा, पेंट का भी यूज नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं वापस से आ गया हूँ गया के जाने माने कलाकार बिक्की बिंदु भैया के यहाँ। जैसा कि पता ही है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, दुर्गा पूजा का त्यौहार आ रहा है, और इसको लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आपको मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले भैया का एक अजूबा आप कह सकते हो, अजूबा एक मूर्ति दिखाया था जिसमें आप देखे थे कि चांदी के चमक जैसी आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा देखने को मिले थे। तो आज वापस से आ गए हैं भैया का एक और यूनिक माँ दुर्गा का मूर्ति लेकर, जहाँ पे आपको देखे हुए कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है ना, वो आप समझो कि यहाँ पे ये जो मूर्ति बनाए हैं ये रिसाइकलिंग मटेरियल का बनाए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो हम लोग बाहर में वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं या बर्बाद करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे दो फायदा है, एक तो हमें घूमने के लिए दशहरा में एक यूनिक चीज़ देखने दुर्गा का, हालांकि आपको अभी पेपर का रूप भी देखने को मिल रहा होगा, और दूसरा कि हमारा जो रिसाइकलिंग चीज़ है, जो बर्बाद होने वाली चीज़ होती है उसका रिसाइकिल हो जा रहा है, मतलब उसका यूज़ हो जा रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो आइए मैं बात करता हूँ बिक्की बिंदु भैया से, आपको बताएंगे कि पूरा तथ्य क्या है, पूरा फैक्ट क्या है, माँ का यह दुर्गा का माँ दुर्गा का यह प्रतिमा बनाने के पीछे आखिर इनकी सोच क्या थी, कि कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं गया जी में, क्या कुछ नया है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका मूर्ति तो भैया पहले से गया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलर था, पॉपुलर इस साल भी 2024 में भी आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिनमें चांदी का रूप मिला माँ दुर्गा की प्रतिमा को, बिल्कुल हूबहू चांदी के जैसा चमक रहा था। वो वीडियो काफ़ी पसंद आया है गया वासियों को, शहर वासियों को, और शहर वासियों का ही ये डिमांड था कि मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करूं जो आप इस साल 2024 में दशहरा में देने वाले हैं। ये सब माता रानी का आशीर्वाद और गया के भक्तजनों का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं अभी इस फील्ड में। 2024 में मूर्ति बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कुछ क्रिएट हो कि अच्छा दिखे पब्लिक को, जो पब्लिक दिखना चाहता है, ये चीज़ है। आप ये बताइए मुझे भैया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपका क्या था, मतलब कैसे आप ये चीज़ें दिमाग लगा पाए कि रिसाइकलिंग जो चीज़ों जो बर्बाद हो जाती है उसका इस्तेमाल करके माँ दुर्गा की प्रतिमा, मतलब ऐसा रूप दिया जाए जिनको हम पूजें। इसके पीछे मेरा थिंकिंग यही था कि मैं सोचा कि लोगों का कहना रहता है सभी भक्तजनों का कि मूर्ति बहुत भारी हो जाता है, उठ नहीं पाता है, मिट्टी का मूर्ति है, उठाने में बहुत दिक्कत है, लाने ले जाने में दिक्कत है, तो सारी चीज़ों को लेकर सोचकर हमने सोचा कि क्यों नहीं वेस्टर्न मटेरियल का ही यूज करके मूर्ति बनाया जाए। अभी मैंने न्यूज़पेपर का मूर्ति बनाई है, मैं पिछले 3 साल पहले भी इस मूर्ति को बना चुका हूँ। अच्छा, पेपर की मूर्ति को, लेकिन ये पेपर का मूर्ति बना नहीं रहा हूँ, पेपर का भी लुक दिया हूँ ताकि ये मटेरियल हल्का हो। आप कहीं से भी इनको देख लीजिए, ये पूरा ही हल्का है। अच्छा, ना ही इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं, ना ही इसमें मिट्टी का यूज है, ना ही इसमें रंग का यूज होगा, पेंट का भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ पेपर का ही मूर्ति बनेगा। और इसके ऊपर से मैं अलग से कलाकारी करूंगा, आप देख सकते होंगे कि ऊपर में कि मैंने कुछ आर्टवर्क का काम किया, अभी ये मेरा स्टार्टिंग वर्क है, स्टार्टिंग फेज है। अच्छा, धीरे धीरे इसका कुछ अलग लुक आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं सिल्वर का और गोल्ड का मूर्ति देने जा रहा हूँ, तो ये मेरा गोल्ड के थीम पे ही आएगा। मैंने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि इस साल 2024 के नवरात्रि में दुर्गा पूजा में दो बहुमूल्य रत्न सोना और चांदी जैसी चमक वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो मैंने चांदी वाला दिखा दिया, और दूसरा जो आप हमारे पीछे देख रहे हो अभी तो आपको पेपर वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मूर्ति की बहुत सारी खूबियाँ हैं इस प्रतिमा का, वैसे तो जब किसी जगह पे ये स्थित होती हैं तो माँ दुर्गा का वास हो जाता है, वो अलग सी बात होगी, लेकिन मूर्ति जब बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कला दिखाते हैं कारीगर जो होते हैं, और इस मूर्ति में भी बहुत सारा कारीगर कला है आप कह सकते हो। तो चांदी के चमक जैसा मैंने दिखा दिया, और ये जो है आने वाले टाइम पे, मतलब कुछ दिनों के बाद, अभी इनका स्टार्टिंग फेज चल रहा है, गोल्ड का साइन देने वाले हैं, मतलब गोल्ड की चमक होगी, और इसी दो बहुमूल्य रत्न का मैं बात कर रहा हूँ। सबसे खास बात भैया है कि चमक होगी जरूर, ठीक है,
लेकिन उतना भी ज्यादा चमक नहीं होगा, जो जैसे आप गोल्ड देखते होंगे तो ज्यादा चमकता नहीं है गोल्ड डायमंड की तरह, अलग अंदाज में आएगा, अलग अंदाज में आएगा। इस पे मैं काम करने जा रहा हूँ बिचाली का, जो हम लोग नेवारी से मूर्ति को जो बांधते हैं स्टार्टिंग फेज में, जो हम लोग पुआल से मूर्ति बांधते हैं उसी फेज में इसको हम नेवारी का पूरा मूर्ति बनाने जा रहे हैं। लोगों का कहना था सिर्फ नेवारी का मूर्ति नहीं बन सकता है, तो वही मेरे माइंड में चल रहा था बहुत दिनों से कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब मैं कागज का बना सकता हूँ, सिल्वर का बना सकता हूँ, तो नेवारी का मूर्ति क्यों नहीं। तो मैं इसको पूरे नेवारी का ही फेस देने जा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मूर्ति है इसमें बहुत सारी खूबियाँ, एक तो आपका रिसाइकल मटेरियल हो गया, दूसरा इनका इसका जो वजन है, माँ प्रतिमा माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसे काफ़ी आसानी से लोग उठा सकते हैं और अब इनके स्थान पे इनको जाकर स्थापित किया जा सकता है, राइट भैया। सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोग कंधा पर लेकर जाएंगे इस मूर्ति को। अच्छा, हाँ सबसे बड़े, चलो ये भी एक नया न्यूज़ सुनने को मिल रहा है भाई कि इस बार ये जो मूर्ति है लोग अपने कंधा पे लेकर जाएंगे, जिस तरीके से विसर्जन में लेकर जाते हैं उस तरीके से यहाँ से स्थापित करने के लिए भी लेकर जाएंगे। स्थापित भी कंधा पे होगा, विसर्जन भी कंधा पे ही होगा। मैं अभी आपका छोटा वर्क देख रहा था यहाँ पे कि आप नेवारी को प्रेस करके उसके बाद इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सर देखिए ये सब काम जो बहुत हार्ड वर्क है, लोगों को तो कहने में लगता है कि बहुत आराम काम है, पैसा आप ज्यादा लेते हो, ये करते हो, लेकिन सर मेरा मेहनताना का पैसा नहीं मिल पाता गया में। यही बाहर के लोग आ जाएंगे गया में काम करने, कहने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, बाहर का मतलब यानी बंगाली लोग, अगर वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख भी डिमांड करेगा तो आप उन्हें हंस के दे दीजिएगा, लेकिन गया वासी स्थानीय कारीगर को नहीं मिलता, प्रोत्साहित नहीं करते, नहीं कभी नहीं हुआ सर आज तक। चलिए, नहीं नहीं आपका काम काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है और लोगों तक पहुंच रहा है, दर्शकों तक पहुंच रहा है, सबसे सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को कितना पसंद आता है। तो ये जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो अपने आप में यूनिक होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको यूनिकनेस दिखने वाला है। अभी तो आपको ये पेपर वर्क में दिख रहा है, आगे चल के गोल्ड साइन में आएगा, साथ साथ आपको यहाँ पे निवारी का वर्क देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में अद्भुत लगेगा। ये मूर्ति पूरा निवारी का ही बनने जा रहा है। अच्छा, आप जब भी जाइएगा देखने माता रानी का भी दर्शन करने जाइएगा तब आपको ये नेवारी के ही लुक में आपको दिखेगा मूर्ति, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ लोग नहीं पाएंगे। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अच्छा एक क्वेश्चन और था आपसे कि आप अगर मैं नवरात्रि की बात करूँ या दुर्गा पूजा कितने मूर्ति बना लेते हैं आप? सर मैं ज्यादा मूर्ति नहीं बनाता हूँ, मैं गिना चुना 5-6-7 यही मूर्ति बना पाता हूँ। जो बनाते हैं यूनिक बनाते हैं, क्योंकि सर देखिए मेरे पास में समय का अभाव है। अच्छा। मैं पहले जॉब करता था, अब जॉब छोड़ दिया हूँ, इधर के फील्ड में आ गया, मैं पिताजी का बनाया विरासत में उन्हीं को संभाल रहा हूँ, तो मेरे पास में समय उतना मिल नहीं पाता है। अच्छा। कम से कम काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, बस यही है सर। चलिए तो दोस्तों इससे जुड़े यानी कि इससे अपडेट आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा अभी तो स्टार्टिंग फेज में, धीरे धीरे इसका अपडेशन हो रहा है, जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक्स भैया आपका, थैंक यू।